Hello viewers, 6 tips how to increase a laptop performance. अगर आपका लैपटॉप बहुत हैंग हो रहा हो तो आप ये 6 टिप्स यूज करके अपने लैपटॉप की स्पीड को बढ़ा सकते हैं. फर्स्ट इज डिसकनेक्ट अनवांटेड प्रोग्राम. जो प्रोग्राम आप नहीं चाहते रन हो वो उनको डिसकनेक्ट कर दीजिए. उसके लिए कंट्रोल ऑल्टर डिलीट दबाइए, ओपन टास्क मैनेजर करिए, सेलेक्ट स्टार्टअप करिए, डिसेबल प्रोग्राम विच यू आर नॉट यूजिंग एंड अनेबल व्हेन यू वांट. तो हम लोग चलते हैं, इसको करते हैं कंट्रोल ऑल्टर डिलीट. टास्क मैनेजर ऑन हो जाएगा, यहाँ पर जाकर आप स्टार्टअप पे जाइए और उन प्रोग्राम को नन कर दीजिए, डिसेबल कर दीजिए जिसको आपको नहीं रन करना है. तो इस तरह से आप अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा लीजिएगा. दूसरी टिप है सिस्टम परफॉर्मेंस. उसके लिए आपको कंट्रोल पैनल पे जाना पड़ेगा, सिस्टम और सिक्योरिटी सेलेक्ट कीजिए, एडवांस सेटिंग सेलेक्ट कीजिए, इन परफॉर्मेंस सेलेक्ट सेटिंग सेलेक्ट एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस. तो कैसे करेंगे, कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल पैनल पे गए, वहां पर आपको सिस्टम और सिक्योरिटी सेलेक्ट करना है. यहाँ पे सिस्टम पर जाएंगे, यहाँ पर एडवांस सेटिंग में जाएंगे और परफॉर्मेंस सेटिंग में जाएंगे और एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पे करके एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस करके ओके कर देंगे. तो आपका परफॉर्मेंस विंडो का सबसे अच्छा हो जाएगा. अब आए हम लोग थर्ड पॉइंट पे, रिमूव टेम्पररी फाइल फ्रॉम द लैपटॉप. अब आप जब प्रोसेस करते हैं तो बहुत सी टेम्पररी फाइल बन जाती है जो यूजलेस होती है, वो आपको हटा देनी चाहिए. कैसे हटाएंगे देखते हैं. विंडो प्लस आर करिए, परसेंट टेम्प परसेंट लिखिए, ओके कर दीजिए. ये आपके टेम्पररी फाइल लेगी, इसको कंट्रोल ए करिए, सेलेक्ट करिए और प्रेस डिलीट दबा दीजिए. तो जितनी टेम्पररी फाइल है आप करिए, अगर कोई नहीं ले रहा तो उसको स्किप कर दीजिए, हो सकता है वो फाइल खुली हो. तो आपकी टेम्पररी फाइल चली जाएगी. इसी को हमने बताया, विंडो प्लस आर करिए, परसेंट टेम्प परसेंट लिखिए, सेलेक्ट ऑल फाइल, प्रेस कंट्रोल ए कीजिए, राइट क्लिक प्लस डिलीट ऑल फाइल करिए, विंडो आर करिए, विंडो प्लस आर करिए, फिर से विंडो प्लस आर करेंगे. अब फिर से करेंगे, यहाँ पे आपकी केवल टेम्प लिखेंगे और प्रेस एंटर करेंगे. देखिए अभी भी फाइल आ रही है, तो कंट्रोल ए करके इसको डिलीट कर देंगे, कंटिन्यू. तो आपकी फाइल जो टेम्पररी फाइल है, जो फालतू फाइल है, वो डिलीट हो जाएगी. जो नहीं डिलीट हो रही उसको स्किप कर दीजिए, वो किसी तरह से खुली होगी या किसी काम में आ रही होगी. तो इस तरह से आप अपने टेम्पररी फाइल को डिलीट कर सकते हैं. नेक्स्ट है यूजिंग प्रीफेच कमांड डिलीट ऑल यूजलेस फाइल. आपकी बहुत सी ऐसी फाइल बन जाती है जो यूजलेस है और आपके ज़रूरत की नहीं है, उसको कैसे डिलीट करें. फिर से विंडो प्लस आर करेंगे, यहाँ पे प्रीफेच लिखेंगे. जब प्रीफेच लिखिएगा तो इट विल आस्क द परमिशन, तो वहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए और सेलेक्ट ए करके डिलीट कर दीजिए. तो फालतू फाइल आपकी जो है वो डिलीट हो जाएगी. अब आप इसको स्किप कर जाइए, एक फाइल बची है जो, और बाहर निकल आइए. तो प्रीफेच से क्या होगा, जो फालतू फाइल आपकी होगी वो डिलीट हो जाएगी. तो इससे सिस्टम की काफ़ी स्पेस खाली हो जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी. फिफ्थ है डिस्क क्लीन अप. अब आपको डिस्क क्लीन करनी है, आपके फालतू प्रोग्राम जो अभी भी बचे हैं उसको क्लीन करना है. तो कैसे करेंगे, तो उसमें मान लीजिए सी को क्लीन करना है तो राइट क्लिक करेंगे
सी पर और प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करेंगे, फिर इस देर सेलेक्ट दिस इज क्लीन अप करेंगे. इट विल शो द ऑप्शन, यू सेलेक्ट द फाइल विच यू वॉन्ट टू डिलीट एंड क्लीन एंड प्रेस ओके, देन इट विल क्लीन योर सिस्टम. तो कैसे करते हैं, दिस पीसी पे चलते हैं, कंट्रोल आर, यहाँ पे आए, दिस पीसी में चलेंगे, दिस पीसी में गए, यहाँ पे सी पे गए, सी पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में देखिए डिस्क क्लीन आ रहा है, वहां पर गए. ये थोड़ा सा समय लेगा. जितनी देर में वो समय लेगा वो आपके फिर फाइल को सर्च कर रहा है और स्कैन करके बता देगा. कैलकुलेट डिस्क क्लीन अप इज कैलकुलेटिंग हाउ मच स्पेस यू विल बी एबल टू फ्री, आपकी स्पेस फ्री करने के लिए वो स्कैन कर रहा था. दे मे टेक अ फ्यू मिनट्स टू कंप्लीट, तो वो थोड़ा से समय लेगा उसको कंप्लीट करने के लिए, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तब आपकी ये देखिए फाइल आ गई. अब यहाँ पे आपको देखिए टेम्पररी फाइल है, डाउनलोड प्रोग्राम फाइल है, और सिस्टम एरर फाइल है, आर्काइव फाइल है, और रिसाइकिल बिन है. मान लीजिए रिसाइकिल बिन भी आपको क्लियर करना है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए. तो ये आपका डिलीट फाइल. आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंट डिलीट दिस फाइल, हमने कहा यस, तो वो उन फाइल्स को डिलीट कर देगा. द डिस्क क्लीन अप यूटिलिटी इज क्लीनिंग अप फाइल ऑन नेसेसरी फाइल ऑन योर मशीन, तो जो फाइल जरूरत की नहीं है उनको वो क्लीन कर देगा. अब आया आपका नेक्स्ट स्टेप, डिस्क क्लीन अप के बाद आया डिस्क डिफ्रैग, डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ड्राइव. प्रेस विंडो बटन, विंडो बटन को प्रेस किया, टाइप डिफ्रैग एंड ऑप्टिमाइजेशन. यहाँ पे आ रहा, आप जाइएगा डिफ्रैग एंड ऑप्टिमाइजेशन कीजिएगा तो पूछेगा कौन सी ड्राइव करना है, तो हम सही दे देंगे सी. ऑप्टिमाइज पे दबाइएगा तो वो ड्राइव को ऑप्टिमाइज कर देगा. एनालाइज करना है तो एनालाइज करिएगा, और डिफ्रैग करना है तो डिफ्रैग जो होता है वो बहुत ढेर समय लेगा, इसलिए हम उसको बहुत देर दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एक एक खाली स्पेस को उठा करके एक जगह कर देता है. और देखिए चेक कर रहा है, एनालाइज कर रहा है कि कितने परसेंट तक आपका करंट स्टेटस जो है वो रनिंग है, कौन सा क्या है, सारा कुछ वो दिखा देगा. ये देखिए डिफ्रैग करने लगा आपका, तो इस तरह से ये पूरी डिस्क को डिफ्रैग करेगा. और डिफ्रैग मतलब है कि खाली जगह एक जगह, और अच्छी फाइल जो फाइल की जो स्पेस है वो एक जगह कर देगा, तो आपका जो एक्सेसिंग पावर है वो बढ़ जाएगी और आप जल्दी किसी चीज को रिट्रीव कर पाइएगा. तो ये तो टाइम लेगा, इसलिए इसको हम क्लोज करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है. आप अगर सब कुछ करके थक जाएंगे तब डिफ्रैग और ऑप्टिमाइजेशन करिएगा, और थोड़ी देर के लिए सिस्टम को छोड़ दीजिएगा, तो आपका सिस्टम क्लीन होकर स्पेस एक जगह हो जाएगी, फाइल एक जगह हो जाएगी, और सारी कुछ चीज आपका सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी. इफ़ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज वॉच शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल आई टी इन्फॉर्मर. फॉलो माई ऑल सोशल मीडिया लिंक, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल टेक रतन. थैंक यू.